लेकिन यहाँ आवाम का जो मुद्दा है वो ये है कि डिवाइडर होना बहुत जरूरी है। डिवाइडर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, और जो आजू बाजू जो बीच में सब आ जाते हैं वो सब किनारे हो जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड पे डिवाइडर रहना। अजवा ड्राई फ्रूट्स एंड फास्ट फूड की तरफ से शुरू किया गया ये नया रेस्टोरेंट मिलत नगर में सीक्रेट रेसिपी की जगह पे शुरू हुआ है। अजवा हाउस की तरफ से शुरू किए जाने वाले इस बड़े और खूबसूरत रेस्टोरेंट में केक शॉप, आइसक्रीम शॉप, तंदूर एंड ग्रिल्स जैसे कई ऑप्शंस मौजूद है कि कोई भी आए और बिना कुछ खाए नहीं जा सकता। भिवंडी में ऐसी तारीफ इसलिए भी ज्यादा की जा रही है कि बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर और डेकोरेशंस के बावजूद यहाँ के खाने पीने की चीजों की कीमत एक आम से आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। देखो रोड पे ट्रैफिक की वजह तो सब है ये कि महानगर इस पे कार्रवाई नहीं कर रही, और दूसरा जितनी होटल है ये रोड पे, होटल के बाहर इतनी भीड़ रहती है रातों में, पूरी गाड़ियाँ पूरे रोड को कब्जा करके 10 फीट का रोड बसता है। वो तो रात की बात है, तो अभी अगर देखे तो अभी भीड़ ये 24 घंटा यही हाल रहता है। महानगर पालिका ये रोड पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि होटल महानगर पालिका चला रहा है कि होटल मालिक चला रहा है। महानगर पालिका आवाम की सहूलियत के लिए बैठे हुए है सारे कर्मचारी कि किसी होटल को पालने के लिए बैठे हुए, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये रोड पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जैसा अभी मैंने पहले भी कहा हमने डिवाइडर की जो मांगनी करी है इसके लिए करी है कि डिवाइडर हो जाएगा तो रोड दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ने के बाद रोड ऑटोमेटिक साफ सुथरा हो जाएगा और खाली हो जाएगा। लेकिन PWD और यहाँ का जो कॉन्ट्रेक्टर है छत्रिया वो डिवाइडर नहीं बनाए, उनका कहना है ये रोड पे डिवाइडर नहीं है, ये भिवंडी का पहला रोड होगा वाइज ऐसा लगता है कि जिस पे डिवाइडर नहीं है, नहीं तो पूरे भिवंडी में पतले से पतले 40 फीट के रोड पे 30 फीट के रोड पे डिवाइडर बनाया गया है, ये 60 फीट के रोड पे डिवाइडर नहीं है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्या वजह हो सकती है डिवाइडर ना बनाने की? वजह इनकी पूरे महानगर पालिका हो या PWD हो या इनका गवर्नमेंट का और या कुछ लोगों का साठगांठ होगा कि ये रोड पे डिवाइडर ना होना चाहिए। जैसा मार्केट लगना चाहिए, मार्केट से किसी को कुछ फायदा होगा, होटल वालों ने अपने होटल बचाने के लिए डिवाइडर नहीं, अगर डिवाइडर लग जाएगा तो उनका बाहर का धंधा बंद हो जाएगा, और जितने ठेले वाले गाड़ी वाले अगर उनसे किसी को फायदा, महानगर को तो फायदा नहीं दिख रहा, जिसको फायदा होगा वो चाह रहे होंगे डिवाइडर ना बने। लेकिन यहाँ की आवाम का जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट डेली होता है, हफ्ते में 2 से 4 एक्सीडेंट होता है, और आपस में गाड़ियों के टकराने की वजह से जहाँ झगड़ा भी होता है, अगर ये झगड़ा और एक्सीडेंट होगा तो उसका जवाबदार महानगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस होगा, PWD होगा। अगर हमारी मांगनी जिससे होगा, अगर हमारी मांगनी हुई तो पूरा एरिया ये रोड को जाम भी कर देगा आगे चल के, हमको डिवाइडर ये रोड पे चाहिए। अभी जैसा कि आपने कहा कि शायद महानगर पालिका को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि महानगर पालिका के लोग यहाँ पर आते हैं डेली 30 रुपये की पौती फाड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ मालूम है, इसके बारे में क्या कहें? 30 रुपये की पौती फाड़ते हैं तो महानगर पर उसकी फिर सहूलियत देवे, सिस्टम बना के देवे। 30 रुपये की पौती फाड़ने का मतलब ये नहीं कि महानगर रोड पर ही बसा देवे लोगों को, आम नागरिक जो गाड़ी चला रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, 30 रुपये की बजाय 30,000 की पौती फाड़ता है, वो इंश्योरेंस करता है 1200-1500 की पौती फाड़ता है हर साल में, और सारे आम नागरिक है उनकी जान की कोई कीमत नहीं 30 रुपये के आगे। 30 रुपये आप लो मार्केट के लिए जाएगा। अभी जिससे पिछले एक हमारे पिछले वार्ड में बाला कंपाउंड में हसनैन फारूकी जी, उन्होंने कहा यहाँ पे मार्केट के लिए जगह रिजर्व है, तो महानगर पालिका मार्केट की जगह जहाँ रिजर्व है उसको सहूलियत दे के लोगों को बसावे ना, कि आवाम जो डेली के आवाम है जो गाड़ी अभी देख लो कितनी ट्रैफिक है, यहाँ के आवाम को भी सहूलियत हो, मार्केट वालों को भी सहूलियत हो जाए कि एक जगह उनका कारोबार चले, ना कि ट्रैफिक में आके उनको भी खतरा ना रहे और चलने वालों को भी खतरा ना रहे रोड पे। हाँ मैं ये बिल्डिंग पे दूसरे माले पे रहता हूँ, और ये खट खोट की आवाज़ आती है, हमारे बच्चे हैं स्कूल जाना रहता है, रात बिरात सो नहीं पाते हैं, हाँ उसका जवाबदारी कौन लेगा? खटखट की आवाज़ से क्या मतलब है? ये होटल चाइनीज के जो होटल है चाइनीज बनाते हैं उसकी आवाज़ आती है खटपीट, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे वो लोग सो नहीं पाते हैं। आप तो इस बिल्डिंग में रहते हो तो क्या बिल्डिंग वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया इसके ऊपर? कोई नहीं लिया, मैं लिया ना, मैं मेरे को तकलीफ हो रही तो मैं बोला मेरे को दूसरे माले पे रहता हूँ मेरे को आवाज़ आती इसलिए मैंने बोला। जनरेटर चालू कर देते, जनरेटर चालू हो जाता तो और ऐसा लगता है कि और कुछ चालू हो गया है, सो नहीं पाते, 4-4 बजे नींद आती है मालूम, तकलीफ हो रही है, और ट्रैफिक होती है और बहुत दिक्कत होती है। डिवाइडर बनना चाहिए, डिवाइडर बनना चाहिए कि गाड़ी मोटर जो रात में लोग चाय पीते तो इधर गाड़ी मोटर खड़ा कर देते, बहुत दिक्कत होती है, हाँ रो तो अपने को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि डिवाइडर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। शनिचर और संडे को ही होती है और बाकी दिन नहीं, ज़्यादा नहीं होती है। आप
हाँ जो डिवाइडर वो सिर्फ शनिचर और संडे को होना चाहिए। नहीं नहीं डिवाइडर हो मैंने जैसा मैं ट्रैफिक की बात बता रहा हूँ कि ट्रैफिक जो उतने टाइम में होती है। अच्छा, बाकी डिवाइडर डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडर डाल दो अच्छा है। ये भी कहते सब गाड़ी जो है लोग भी सब जो मतलब पावरफुल है भाई वो अपने हिसाब से कहीं कुछ भी काम करता है ऐसा है। तो ऐसा है कि आवाम को भी तकलीफ ना हो और जो रोज़गार जो कमा रहे हैं, 2 घंटे की मार्केट रहती है और ज़्यादा मार्केट नहीं लगती है, 2 घंटे की मार्केट रहती है और जुमा को एक दिन रहती है शाम में कपड़े उपड़े की जेंट्स के कपड़ों की, बस वो दो तीन दिन की जो दिक्कत है। अरे डिवाइडर डाल दिए मार्केट से तो कोई दिक्कत नहीं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए। हाँ डिवाइडर डालो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडर डाल दो अच्छा ही बात है, ऐसा कोई मसला नहीं भाई जी, लोगों को तकलीफ ना हो बस ये सोच के सबका काम हो। भाई मैं ये बोलूँगा आगे जैसे बनाए हैं इसको कंटिन्यू जहाँ तक रोड RCC अपना बनाए वहाँ तक कंटिन्यू करे और उससे सबको फायदा रहेगा, ट्रैफिक कम होगी उसके और जो आजू बाजू जो बीच में सब आ जाते हैं वो सब किनारे हो जाएंगे। अच्छा, मार्केट से कोई तकलीफ नहीं कोई को, खाली आप डिवाइडर डाल दो। आपकी मांग है कि सिर्फ डिवाइडर, खाली सिर्फ डिवाइडर आ जाए बस।